सो वेलकम बैक टू फ्री एरा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बात जाने क्या कुछ का एमसी स्टैन के बारे में, फिजिक्स वाले ने क्यों सॉरी बोला और क्या एलवी यादव के ऊपर में कोई एक्सपोज आने वाला है। इन सब चीजों के बारे में बात होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फर्स्ट अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं एलवी यादव के बारे में। तो रिसेंट अपने व्लॉग के अंदर में एलवी यादव बात की अपने हेटर्स के बारे में एंड हेट्स के ऊपर में रिप्लाई करते हुए एलवी यादव कुछ ये कहे। बहुत ज्यादा स्पेशल ओकेजन है आज, हेटर्स के मुंह बंद होने वाले हैं। जो मेरे क्या करते हैं, पोर्श कहाँ है, बेकू बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये दी पोर्श डिब्बे में से निकली। फाइनली 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 साइन के लिए कितने तरस गए थे भाई हम। अरे बहुत गाली खाई मैंने पब्लिक की, बहुत हेट झेली माँ कसम कि बेकू बनाता है, लाएगा नहीं, नहीं ठहलाए। और बताओ है, और बताओ, इस चीज़ का वेट था। मैं एक गाड़ी ढूंढ रहा था जो डायरेक्ट अपने नाम पर चढ़ा है, अनरजिस्टर्ड, जो फ्यूजन कार की हेल्प था भाई, मुझे तो मिल गई। सिस्टम हैंग कर दिया हमने, ढूंढ लाया कहीं ना कहीं था। तो अरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे, जो जो फालतू बोल रहे थे ना कि पोर्स नहीं लेके आ रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, भाई बहुत कमेंट आए। इमरान भाई मेरे पास नू कह रहे लगातार, मेरे पास स्क्रीन शॉट है सबके कि एल्विस तो बेवकूफ़ बना रहा है अपनी जनता का, पोर्स वोर्स कुछ नहीं लेके आ रहा। 15 तारीख की कही थी, कभी 10 तारीख की कही थी, आज कितनी तारीख है, 24, 25 तारीख आज शायद, नहीं 26 तारीख आज, 26 फरवरी 2023। पोर्स की डिलीवरी याद रख लेना, एक बार भेड़ बकरी दिखा देना भाई, ऐसी भेड़ बकरी की भेड़ी मेरे को गाली बकरी दी भाई, मत बका करो यार, बुरा लगा। और इनके अलावा क्रेज दीप अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड किए जहाँ पर वो हिंट दी अपनी अगली वीडियो का, और यहाँ पर वो हिंट दी कि उनकी अगली वीडियो का टॉपिक होने वाला है एलवी यादव के ऊपर में। तो जल्दी हमें क्रेज दीप की तरफ से कोई एक्सपोज या फिर रोस्ट वीडियो देखने को मिल सकती है एलवी यादव के ऊपर में या फिर सारे व्लॉगर कम्युनिटी के ऊपर में। गुड मॉर्निंग भाइयों, सिस्टम तुम्हारा भाई ने चाय पी ली, सिस्टम तुम्हारे भाई की तो गेल नई गाड़ी आ गई, सिस्टम नेक्स्ट वीडियो सुन भाई। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं बादशाह के बारे में। तो जब एक इवेंट के दौरान बादशाह से पूछा गया एमसी स्टैन को लेकर के, रैपर कम्युनिटी को लेकर के, पहले के टाइम पर रैपर्स को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, इतना कुछ वैल्यू उनको नहीं मिलता था और सबको यही लगता था रैपर्स अभी थोड़े दिन में फेड आउट हो जाएंगे, मतलब उनको कुछ पूछेगा नहीं आगे के टाइम पर। लेकिन अभी के टाइम पर रैपर्स को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है और आज के टाइम पर रैपर्स काफी ज्यादा सक्सेस है। और यहीं पर बादशाह एग्जाम्पल दिए एमसी स्टैन का। मेरा सवाल था कि रैप कल्चर जो नए टैलेंट आ रहे हैं, अभी रैप कल्चर की मैं बात करूँ, लास्ट एक डेकेड से जिस तरह रैप कल्चर ने गया और हाल ही में एमसी स्टैन का जो नाम बढ़ रहा है, कितना हेल्प होगा रैप कल्चर को, मतलब न्यू कमिंग यंगस्टर्स हो जो रैप कल्चर। अभी तो और कल्चर्स को हेल्प चाहिए, रैप कल्चर को कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई थिंक रैप इज हेयर टू स्टे। शुरू में लोगों को लगा था कि ये फैड है, चला जाएगा, बट आपके सामने ही है। हम जो रैपर्स होते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं, बचपन से ही हसलर होते हैं, तो अपनी जगह बनाने की आदत हमें होती है। और एमसी स्टैन तो एक एग्जांपल है, जीता जाता एग्जांपल है, एंड आई थिंक एवरीबॉडी फ्रॉम द कम्युनिटी इज़ रियली प्राउड ऑफ हिम। जो कम्युनिटी से बाहर हैं वो भी प्राउड हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट्स एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू सी समवन विन हुज़ कम फ्रॉम द बॉटम, एंड आई थिंक एमसी स्टैन इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं फिजिक्स वाला के बारे में। तो फिजिक्स वाला अपने इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड किए जहाँ पर वो सॉरी बोले अपने सारे स्टूडेंट से। तो फिजिक्स वाला ऐसा क्यों कहे आप इस वीडियो में देख सकते हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। अब शादी में आप लोग को इनवाइट नहीं कर पाए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इंस्टा पे भी लाइव गए थे, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाया, पर आपने बहुत सारी विशेस दी, बहुत सारी शुभकामनाएं दी और बहुत सारा प्यार दिया मुझे भी और शिवानी मैम को भी, तो उसके लिए यार बहुत 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 थैंक यू। मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, शादी हो गई यार मेरी, अब आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट दिन और वो है विश्वास दिवस। 28 तारीख को मिलेंगे अपन, बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, द एरा ऑफ न्यू लर्निंग इन एक्टेक के साथ मैं बोल रहा हूँ, एरा ऑफ न्यू लर्निंग। बहुत ही नए फीचर्स हम लोग आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही नए सरप्राइजेस, नए लॉन्चेस और बहुत से नए रेवोल्यूशन होने वाले हैं। 28 फेब को विश्वास दिवस में मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं अक्षय कुमार की नई मूवी सेल्फी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, सेल्फी मूवी को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया पब्लिक की तरफ से और सेल्फी मूवी उनकी फर्स्ट वीक के हिसाब से सबसे खराब मूवी बन चुकी है अर्निंग के मामले में। तो सेल्फी मूवी ने पहले दिन के अंदर में लगभग
लगभग 2.5 करोड़ रुपए अर्न किए यानी कि कलेक्ट किए और दूसरे दिन में 3.75 करोड़ और तीसरे दिन में 3.85 करोड़ रुपीज और अभी तक यहाँ पर टोटल देखा जाए तो केवल 10 करोड़ रुपए यहाँ पर अर्न किया है 3 दिनों के अंदर में। और मूवी फ्लॉप होने को लेकर के अक्षय कुमार खुद पर सारी गलती, लेकिन उनकी गलती है जिसकी वजह से उनकी मूवी फ्लॉप हो रही है। तो अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि मेरे साथ में ये पहली बार नहीं हो रहा, एक वक्त था जब मेरी लगातार 16 फिल्में नहीं चली थी। उन्होंने यहाँ पर कहा कि खुद की गलतियों से फिल्में फ्लॉप हो रही है, यह एक अलार्म है, मुझे खुद को बदल लेना चाहिए। और इसके ऊपर में काफी सारे यूट्यूबर्स रिएक्ट किए थे, आशीष अंसारी, ट्रिगर्ड इंसान, तो दोनों ने अपने ट्विटर पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था सेल्फी मूवी को लेकर के, जिसके बाद में कुछ लोग उनको ये बोलना स्टार्ट कर देगा तुमने पैसे लेके ट्वीट किए हैं। और इसके ऊपर में वापस से ट्रिगर्ड इंसान रिप्लाई किया कि थिएटर क्यों ना खाली हो लेकिन सेल्फी मूवी वाकई में ही अच्छी मूवी है। और इन्हीं हेट्स पर आशीष अंसारी ने भी रिप्लाई किया जब उनसे बोला गया कि क्या उन्हें ट्वीट करने के पैसे मिले हैं, तो यहाँ पर रिप्लाई किए अक्की सर का बहुत सारा प्यार मिला उनको। और इसी के ऊपर में ध्रुव राठी भी रिएक्ट किए जहाँ पर कहे कि वो सेल्फी मूवी को देखे थे और बेस्ट पार्ट ये था कि थिएटर खाली था, ऐसा फील हो रहा था कि प्राइवेट उन्होंने बुक किया है, बट होनेस्टली मूवी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन बस मूवी को गलत तरीके से मार्केट किया गया। तो गाइस ये सब देखने बाद में आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे अपने ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए हमारी अगली अपडेट के बारे में बात ले चुके हैं एमसी स्टैन, बीबी के वॉइस और कपिल शर्मा शो को लेकर के। तो कल मैंने एक क्विक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे आपको फुटेज दिखाया था, एमसी स्टैन काफी अच्छा परफॉर्म किए थे कपिल शर्मा के साथ में, तो अगर आपने अभी तक उसको मिस कर दिया तो जाके जरूर से देख लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।